आज हम लोग जानेंगे कि न्यू आरडी अकाउंट अपने बीओ से कैसे खोलना है दर्पण ऐप से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए जो नया आरडी अकाउंट है ये दोनों का सिर्फ आईडी बना हुआ है ना, सिर्फ वन और सिर्फ टू, ये दोनों का बना हुआ है, ज्वाइंट होल्डर अकाउंट है। ठीक है, और ये 2000 इंस्टॉलमेंट है। अब इसी को हम लोग जो दर्पण में कैसे खोलेंगे तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दर्पण में जब हम लोग खोलते हैं इसको तो CBS में जाते हैं और यहाँ पर एक आता है ओपन न्यू अकाउंट, इसमें हम लोग जाएंगे। अब हम लोग को खोलना कौन सा है, आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट में जा करके प्रोसीड करेंगे। अब सबसे पहले बोला है प्राइमरी सिफ आईडी, तो यहाँ पर जो प्राइमरी सिफ होल्डर है यानी कि जो पहला सिफ आईडी है उसको हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। कितना है, 4508538 01, तो ये हो गया प्राइमरी सिफ आईडी जो यहाँ लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग यहाँ डाल दिए। अब दूसरा आता है प्राइमरी अकाउंट होल्डर नेम, तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर नेम कौन है, विजेंद्र प्रसाद, अब इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, विजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखता है इज माइनर, यस और नो, तो ये तो माइनर अकाउंट है नहीं क्योंकि ये 18 से प्लस है और 18 से प्लस वालों का ही आरडी अकाउंट खुलता है, इसलिए नो। 5 साल का टेन्योर है। अब इंस्टॉलमेंट अमाउंट पूछा है, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, 2000 का, ये प्रत्येक महीना जो है सो 2000 अपना इसमें डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो 2000 का यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हम लोग लिख दिए। अब यहाँ सेल्फ है, ज्वाइंट ए है और ज्वाइंट बी है, तो ये सेल्फ का मतलब सिंगल अकाउंट हो गया और ज्वाइंट ए तो नहीं है बल्कि ये ज्वाइंट बी है, तो ज्वाइंट बी है। तो पहला बोला है ज्वाइंट होल्डर वन सिफ आईडी, तो पहला जो सिफ आईडी है यानी कि इनके साथ जो ज्वाइंट करेंगे वो उसका जो सो सिफ आईडी लिखना है, तो ये वाला। ठीक है, 4493848588 ये हम लोग लिख दिए। दूसरा में बोला है ज्वाइंट होल्डर वन का नाम, यानी कि जो पहला ज्वाइंट होल्डर है ये इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है पूनम देवी, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं पूनम देवी, ये नाम लिख दिए। अब उसके बाद बोला है इंटर ज्वाइंट होल्डर वन रिलेशनशिप, तो इनका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, तो ये दोनों पति पत्नी है, तो अब यहाँ पे जो लिखना है रिलेशनशिप यानी कि जो सेकेंड अभी जो ये ज्वाइंट हो रही है इनके साथ, तो यानी कि पहले जो फर्स्ट होल्डर है उनके साथ इनका क्या संबंध है, तो ये वाइफ है, तो यहाँ हम लोग वाइफ लिख दिए। अब उसके बाद ज्वाइंट होल्डर टू, यानी कि दूसरा तो ज्वाइंट होल्डर है नहीं, सिर्फ एक ही है, तो अब यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर इनिशिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनिशिएट जब किए तो आपका नाम आ गया विजेंद्र प्रसाद, है ना, ये फर्स्ट होल्डर है, उसका सिफ आईडी हम लोग मैच कर लेंगे, है ना, 4508538 01, 4508538 01। ठीक है, और उसके बाद फिर पूनम देवी। अब यहाँ अमाउंट, ये कितना अमाउंट दे रहे हैं, तो ये अमाउंट 2000 भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, अगर ज़्यादा देंगे तो इनको रिबेट मिलेगा, यानी कि 6 महीना का अगर एक साथ जमा करते हैं यानी कि 12000, तो इनको 1% का रिबेट मिलता है, अगर 1 साल का जमा करते हैं तो इनको जो सो 2% का रिबेट मिलता है, लेकिन यहाँ ये हमें कितना दिए हैं, मात्र 2000। तो अब यहाँ पर जो है ये 2000 का इंस्टॉलमेंट हम लोग यहाँ पे जो अमाउंट है उसको कलेक्ट किए। अब रिबेट डिटेल देखते हैं, अभी देखिए हम लोग को क्या मिल रहा है, नो रिबेट अवेलेबल, ओके करते हैं। अब यहाँ अमाउंट हम लोग ले लिए 2000। ठीक है, एक बार फिर जब फाइनल सबमिट करेंगे तो उससे पहले एक बार मैच कर लेते हैं, नाम सही है कि नहीं, सही है। उसके बाद फिर हम लोग सिफ आईडी को देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, सही है, चलो ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए अब यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर जनरेट हो गया है, रेफरेंस नंबर इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे किस में, तो ये जो हमारा विड्रॉ लगा हुआ है ना, विड्रॉ फॉर्म लगा हुआ है उसमें हम लोग ये रेफरेंस नंबर को लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इनका खुल गया, ये मेरा आईडी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कैप्चर फोटो करेंगे, अब ये इनका हम लोग फोटो को कैप्चर करेंगे, चलो। उसके बाद फिर ये फोटो कैप्चर हो गया, अब ओके कर देते हैं, फोटो कैप्चर हो गया, अब सिग्नेचर को कैप्चर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनका सिग्नेचर है, सिग्नेचर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं,
ये हम लोग सिग्नेचर को भी है ना कैप्चर कर लिए, फोटो कैप्चर हो गया, सिग्नेचर कैप्चर हो गया है ना, ये सारा कुछ डिटेल हो गया। अब इस तरह से ये आरडी अकाउंट हमारा खुल गया और बीओ से ये टैग भी हो गया, तो बीओ से टैग हो गया। अब इसको हम लोग अपने एसओ में भेज देंगे, अब वहाँ से जो सो इनका अकाउंट बन करके आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।